गोविंद जी, आप ही के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। 76% नोट जो है वो RBI के पास जमा हो गए हैं, अब क्या लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई सरकार नजर आ रही है? अभिलाषा, लक्ष्य तो मुझे लगता है सरकार का ये था कि जो वापसी होगी बड़े नोटों की, पुराने नोटों की, वो जो कुल बाजार में जो नोट हैं पुराने जी, उनमें और वापसी के बीच में एक फर्क होगा, और वो फर्क कम से कम 20-25% से ज़्यादा का होगा, ताकि वो पैसा सरकार ये मान ले कि वो पुराने नोट अंतिम रूप से अब चलन में नहीं है, और उसके बदले या जो रिजर्व बैंक है वो नए नोट जारी कर सके, या सरकार जो कुल नोट हैं उनकी संख्या को कम करके जो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाने की बात है उस दिशा में आगे बढ़े जी। लेकिन अभी तक जो आंकड़ा है, अगर 76% पुराने नोट वापस आ गए हैं, और अभी भी करीब 20-25 दिन का तो पूरा समय है, और उसके बाद 31 मार्च तक का जो एक तरह का सशर्त समय है वो भी है, तो इस बात की अब इस बात को लेकर कयास लगने लगे हैं कि आखिर क्या जो बड़े नोट काले धन के तौर पर थे जी, वो बाजार में चला लिए गए हैं, क्या जिन लोगों के पास बड़े पैमाने पर ऐसे नोट थे उन लोगों ने अपने नोट ठिकाने लगा लिए हैं। काला धन सफेद हो गया तो नहीं कहा जा सकता जी, लेकिन क्या उन्होंने अपने काले धन के जो पुराने जो नोट अब चालू नहीं है, जो नोट अब रद्द हो गए, उन नोटों के बदले काले धन में के रूप में ही दोबारा से जो नए नोट हैं वो अपने पास रख लिए हैं जी। तो ये सवाल बड़ा सवाल है, अगर ये लक्ष्य जो 76% है ये 31 दिसंबर तक और बढ़ता है और ये 80, 85, 95, 90 के आसपास कहीं पहुंचता है, तो मुझे लगता है कि जो मोटे तौर पर ये दिख रहा था कि काला धन जो पूरा नोटबंदी के बाद उसमें एक बड़ी सिग्निफिकेंट पकड़ दिखाई देगी, बहुत बड़े नंबर पर बहुत बड़ी प्रतिशत में जो पुराने नोट हैं वो चलन से बाहर दिखेंगे, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि वो पुराने नोट चलन से बाहर नहीं हो पा रहे हैं, और जो पुराने नोटों के जादूगर हैं वो उनको किसी न किसी तरह से नए नोटों में तब्दील करने में सफल हो गए हैं सरकार की आंखों में धूल झोंक कर, ये अभी तक की स्थितियों में दिख रहा है। तो इसको सरकार की सफलता कहें या जो काले धन के खिलाड़ी हैं उनकी चतुराई, फिलहाल अभी स्थितियां ऐसी दिखती हैं जी।